इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18 प्लस ओनली। तो चलो भाई चलते फिर से और एक ट्रिक्स का वीडियो में जरूर लटका भाई। देखो ये जो एप्लीकेशन है न्यू लॉन्च हुआ है तो इसमें जितना भी मेरा ट्रिक्स है ना सारा ट्रिक्स काम कर रहा है। देखो अभी क्या है, लास्ट 3 दिनों ऊपर वाला का लोगो है तो डेफिनेटली पिजन का भी चांस बन सकता है। तो मैंने क्या किया, पिजन को भी पिक किया, स्वेलो को भी पिक किया एंड पांडा रैबिट को भी पिक कर लिया। मैक्सिमम तीनों ऊपर वाला कलर को पिक किया। और ये क्या है भाई, देखो 20 साइड में से देखो चारों ऊपर वाला का सीरीज चल रहा है तो मैंने पिजन कलर को पिक किया था लेकिन पहला राउंड मेरा मिस हो गया। देखो 20 साइड में से मंकी का लोगो आ गया था, रैबिट का लोगो आ गया था, तो जो लोगो बचा हुआ था वो था पांडा का लोगो, तो मैंने पांडा का लोगो भी पिक कर लिया था लेकिन नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार गेम प्ले करूंगा। एक राउंड अगर मिस हुआ आपको क्या करना है भाई, आपको लेवल से गेम प्ले करना है। अगर एक लेवल मिस होता है तो आपको दूसरा लेवल पर चलना पड़ता है, ठीक है ना। अरे ये जो लेवल अप वाला चार्ट कहाँ मिलेगा आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका कहाँ से ज्वाइन करना है वो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो भाई, ठीक है ना। मैं अभी क्या करता हूँ, मंकी रैबिट पांडा एंड पिजन को पिक करता हूँ। देखो लास्ट में मंकी का लोगो है, पिकॉक का लोगो है, जो लोगो बचा हुआ है वो है पांडा एंड पिजन, ठीक है ना। तो मैंने पांडा का लोगो पिक कर लिया, पिजन का लोगो पिक कर लिया। लो भाई आ गया पिजन का लोगो, सेकेंड राउंड का था ये वाला एंड सेकंड राउंड पे ही मेरे को पिजन का लोगो आ चुका है। चलो भाई स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ मैं। ओके अभी देखो अभी क्या करना है आपको, लास्ट 3 को देखो, मंकी का लोगो है, पिकॉक का लोगो है, पिजन का लोगो है। लास्ट 3 में मंकी का लोगो है, पिकॉक का लोगो, पिजन का लोगो है, ठीक है ना। तो जो लोगो बचा हुआ है वो है पांडा का लोगो, ठीक है ना। तो इस बार क्या करना है, पांडा को नहीं छोड़ना है, रैबिट सोलो को लेकर चलना है, पांडा को लेकर चलना है और लास्ट थर्ड पे मंकी का लोगो है तो मंकी को भी एक बार लेकर चलना है। तो मैंने मंकी, रैबिट, पांडा एंड सोलो को लेकर चला, देखते हैं फिर कौन सा लोगो आता है भाई। आना चाहिए, अगर सीरीज कंप्लीट करेगा ना 8 गुना का तो डेफिनेटली पांडा का लोगो देखे जाएगा। देखते हैं फिर कौन सा लोगो आता है, नहीं आया भाई। हर बार सार्क का लोगो लेकर चल रहा था मैं, सार्क का ही लोगो बचा के गया है भाई, ऊपर से भी देखे गया है मेरे को, ऊपर से तगड़ा वाला देखे गया है, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, इसलिए आपको भी क्या करना है, हरे भर सार्क का लोगो लेके चलना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलता हूँ भाई। देखो वही वाला सेम कार्रवाई चलना चाहिए क्योंकि लास्ट में सार्क का लोगो आया है तो सोयलो का भी चांस बनता है। ओके और रैबिट सोयलो इनको तो भाई लेके ही चलना पड़ेगा आपको एंड मंकी पांडा को ही लेके चलना, सेम लोगों को ही लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको हर बार बताता हूँ भाई, कितना बार बताया, जब भी लास्ट में सार्क का लोगो देखेगा आपको सोयलो का लोगो लेके ही चलना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भाई देखते ही फिर कौन सा लोगो आता है, नहीं भाई पिकॉक का लोगो आ गया ये वाला राउंड पे, ये वाला राउंड मेरा मिस हो गया। कोई बात नहीं भाई, एक राउंड अगर मिस हो रहा है तो दूसरा राउंड तो भाई आ रहा है ना, ठीक है। ये मेरा ट्रिक्स है, अगर आपको गेम प्ले करना नहीं आता है ना तो एक काम करो भाई, सीधा जाओ मेरा टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ भाई सब लोग, ठीक है ना, जो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो मिल जाएगा। देखो एक अंदर एक बाहर चल रहा है, एक मंकी आया पिजन आया, एक मंकी पिकॉक देन पिजन पिकॉक ऐसा आया है, मतलब सिमेट्री वाला सीरीज जो है अगर कंप्लीट करेगा तो डेफिनेटली इस बार मंकी या पिकॉक पिजन में से देगा भाई, ठीक है ना। ऑन बाई ऑन पे अगर पिकॉक का लोगो आया तो ऑन बाई ऑन पे पिजन का लोगो दे सकता है, एक सिमेट्री वाला सीरीज है। और एक सिमेट्री वाला सीरीज क्या है, बीच में पिकॉक पिजन का लोगो, ऊपर नीचे पिकॉक पिकॉक एंड उसका ऊपर नीचे मंकी मंकी, ये वाला भी कर सकता है। लो भाई मैं मंकी एंड पिजन को टारगेट किया था, पहले से ही आपको बोल रहा था कि इसका चांस है। ये देखो भाई पिजन का लोगो आ चुका है, ठीक है ना। सही चलता है भाई, बिल्कुल सही चलता है, बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है तो बिल्कुल सही चलता है, ठीक है। अभी देखो ऑन बाई ऑन पे पिकॉक का लोगो आया है तो फिर से एक बार ऑन बाई ऑन पे पिकॉक का लोगो आ सकता है, ठीक है ना। फिर से एक बार ऑन बाई ऑन पे पिकॉक का लोगो आ सकता है तो पिकॉक को छोड़ना ही नहीं है। और लास्ट 4 को देखो, लास्ट 4 नहीं लास्ट 5 को देखो भाई, सार्क का छोड़ के बाकी चारों की चारों बर्ड सेट का लोगो है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बार बर्ड साइड में से सोयलो पिकॉक पिजन तीनों को पिक कर लेता हूँ और उधर से पांडा का लोगो पिक कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही सीरीज का साथ गेम प्ले करना चाहिए, अगर सीरीज के साथ गेम प्ले करोगे तो डेफिनेटली फायदे में रहोगे, अदरवाइज भाई इस गेम से कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी खेलना नहीं आता है तो आप सीधा जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ भाई, वहाँ पर मैं गेम प्ले कराता हूँ, ओके। और जो न्यू एप्लीकेशन आया है वो भी है डिस्क्रिप्शन में, जाओ एंड खेलो, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को पर्सनल पे बोलना, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, ओके। देखो ऑन बाय ऑन पे पिजन का लोगो आ रहा है ना, तो ऑन बाय ऑन पे पिजन का लोगो आ रहा है, लास्ट राउंड में गेम प्ले करने वाला हूं। तो मैं मंकी पिकॉक पिजन एंड ईगल को पिक कर रहा हूं क्योंकि एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर वाला का चांस हो सकता है भाई, तो पिजन मंकी ईगल का चांस होता है। तो देखते हैं फिर, लो भाई मंकी का लोगो आ चुका है। तो चलो भाई वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, सब लोग जाओ मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, सारे कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों का मिल जाएगा उधर, ठीक है ना। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।